इन भगवानों को इतना दूर ले जाकर डुबाने की क्या जरूरत है, यही कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन है कि जिस समाज को भगवान थोप दिए गए थे कि इन्हीं की पूजा तुमको करनी है, इन्हीं के चरणों में तुमको रहना है, आज वो समाज बौद्ध धर्म की ओर आ रहा है। हे देवी देवताओं की आप, अभी तक मैंने आपको बहुत, मैंने भी मन से पूजा, मैंने भी व्रत की, लेकिन जब भी मुझे ये समझ में आया कि ये करके इसमें क्या मिल रहा है, महिला के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि एक घर की एक महिला परिवर्तित हो जाए तो पूरा घर परिवर्तित होता है। तो मैंने भी एक प्रार्थना की, मन में प्रार्थना की, हे देवी देवताओं कि ये लोग छोड़ रहे हैं आपको कि अगले साल आने के लिए, मैंने छोड़ दिया कि मेरे जीवन में कभी वापस मत आना, पूरे जग में पूरे विश्व में ये जाना चाहिए। तो वो जो दीक्षा लेनी है वो बाकी है, वो होगी दीक्षा भूमि नागपुर में ही, क्योंकि मेरा सपना है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो धम्म दीक्षा ली थी 5 लाख लोगों को लेके, मैं कम से कम मेरे साथ 5,000 तो जमा करूंगी, वो भी बहुजन समाज में। मैं बाकी के स्टेट्स के लोगों के लिए और बाहर के आउट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि सीमाताई पाटिल मैडम ये मराठा कम्युनिटी से और बहुजन ओबीसी ओबीसी कम्युनिटी से है, और वो भी ऐसी कम्युनिटी कि जो मंदिरों के पुजारी हुआ करते हैं। आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा बदलाव है कि जिनके हाथों में मंदिर होते हैं, जो मंदिरों की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करने वाला जो समाज होता है, उस समाज से मैडम बिलोंग करती है। और उन्होंने 25 अक्टूबर 2020 अशोका विजयादशमी, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, उसी दिन चैत्य भूमि जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी का स्मारक है, वहीं पर जाकर समुन्द्र में जितने भी घर हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता है घर में, जितने भी थे, वो उठाकर उन्होंने समंदर में उनका विसर्जन कर दिया। और उनका स्टेटमेंट जब मैं सुन रहा था, उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उनके बेटे हैं, मुलाज नाम का अभिषेक नाम के उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि काय म्हणता ते तुम्हाला मम्मी आई, बोलते मम्मी कि इन भगवानों को इतना दूर ले जाकर डुबाने की क्या जरूरत है, यही कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन है कि जिस समाज को भगवान थोप दिए गए थे कि इन्हीं की पूजा तुमको करनी है, इन्हीं के चरणों में तुमको रहना है, आज वो समाज बौद्ध धर्म की ओर आ रहा है। तो हम मैडम का, उनके परिवार का, और उन्होंने कहा है कि आने वाले, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कई सारी समस्या हम लोगों के सामने है कि लोग इकट्ठा नहीं करने दे रहे। दीक्षा के भी कार्यक्रम में दीक्षा भूमि जाके आया, दीक्षा भूमि को सील करके रखा हुआ है, चैत्य भूमि को सील करके रखा हुआ है, तो कई सारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड की समस्या है उसकी अड़चन आ रही है। तो मैडम का ये निर्धार है कि वो अकेले बौद्ध धर्म में नहीं आ रही है, वो 4,000 से 5,000 लोगों को, ओबीसी लोगों को बौद्ध धर्म में आ रही है। और आज मेरे साथ सत्य शोधक समाज के लोग भी यहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो हम मैडम से जानना चाहते हैं कि मैडम आज पूरा देश और देश के बाहर भी बैठे हुए जो अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या भूमिका है। प्लीज। नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय भीम, जय भारत। मैं भारतीय महिला शाहिरा सीमा बली, और आज यहाँ पे हमारे आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी सर, इनके साथ बहुत चर्चा हुई, हम लोग बदलापुर पहुंचे, हमारी सारी वी द पीपल की टीम अम्बेडकर राइट्स वर्ली यहाँ से, हमारे आदरणीय एडवोकेट अजय जी भोसले सर, आदरणीय सूर्यकांत बापू सर, और आदरणीय बोधाचार्य कवि गायक गुणाजी काजिलेकर, और आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारा सपना था राजरत्न साहब से मिलने का। हम बहुत सारा उनका व्हाट्सएप या फेसबुक या मीडिया के माध्यम से उनको सुनते आए हैं, उनके जो विचार है वो बहुत हर एक मानव को इतनी प्रेरणादायी रहते हैं। और गए 7-8 साल से मैं ये जो भारत के इतिहास रचने वाले, एक इतिहास बनाने वाले जो महापुरुष है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत गाड़गे महाराज, संत तुकड़ोजी महाराज, संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे, इनकी जीवन गाथा है हम लोग
हमारी कला के माध्यम से पूरे भारत में प्रेजेंट करते हैं, तो हमें इतना अच्छा लगता है। और बड़े सम्मान से हम लोग जब भी ये विचार मंच में ये हमारी कला प्रेजेंट करते हैं, तो एक इसके साथ में एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है हर टाइम हर प्रोग्राम में। तो ये करते करते मैं बहुजन समाज से हूँ, पर अभी सर ने बताया कि ये जो थोपा गया था हर एक समाज के ऊपर जो अंधविश्वास, जो चमत्कार, जो कर्मकांड, ये जो सब है वो ये पूरे भारत में है। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इसको लोग फॉलो कर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप पढ़ो, हर किताब पढ़ो। बाबा साहब ने इतनी ऊंची शिक्षा ली, देश विदेश जाके वो पढ़े, इतना नॉलेज दिया, और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ये जो बुद्ध धर्म है वो विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसमें ना कर्मकांड है, ना कुछ इसमें चमत्कार है या बुआबाजी है, ना कुछ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद सच जानो क्या है, अतदीप भव, आप स्वयं प्रकाशित होकर खुद के विचार को, खुद के मन को आप सवाल करो। और ये सब मैंने गए 6-7-8 साल से मैं भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जॉली दादा मोरे और हमारी टीम की माध्यम से, और हमारे आदरणीय गुरुवर्य विजय कुमार गवई सर, आदरणीय ताड़े मामा, आदरणीय रामटेके सर, आदरणीय प्रमोद लोने सर, ऐसे बहुत सारे बड़े लोगों से बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिला, बहुत सारी किताबें मिली, और ये पढ़कर मैंने खुद के मन को बहुत सारे सवाल किए। जब भी मैंने ये मन में ठान लिया कि मैं लास्ट मतलब संयुक्त जयंती के प्रोग्राम हम लोग पूरे भारत में करते हैं, तो लास्ट जयंती में मैंने अनाउंस किया था, नहीं 4 दिसंबर में सत्यशोधक समाज की तरफ से ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन सभा जो BIT चाल पर ली जाती है, तो वहां पे भी मैंने अनाउंस किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने, बाबा साहब ने जो एक ऐसा नारा दिया था, घोषणा की थी एवला में, तो उन्होंने बताया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता हूँ, तो ऐसा बाबा साहब ने बोला था। तो मैंने 4 दिसंबर में सर वहां पे मैंने भी अनाउंस किया BIT चाल परेल में, तो यहाँ से वही विचार मंच से मैंने बोल दिया कि मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया है मैंने, अर्थात कोई भी मानव कुछ धर्म में, ये धर्म में जाना है जन्म लेके वैसा कोई सोच के नहीं आता है, लेकिन वैसे मैंने बोला वहां पे कि मैं हिंदू धर्म में मैं जन्म लिया है, मैंने लिया है, तो लेकिन मेरा जो जीवन की समाप्ति है, जो मेरा मृत्यु है, वो तो मेरा बुद्ध धर्म में होना चाहिए। ये ऐसी मैंने मन में ठान ली। और ये 25 अक्टूबर में मेरा दीक्षा का जो समारोह था वो दीक्षा भूमि में सफल होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ पाया। तो हम लोग ने मतलब मैंने ऐसा सोचा, दादा को, जॉली दादा को बोल बताया कि उस दिन तो क्यों ना फिर ये देवी देवताओं को विसर्जित करें। अच्छा। सच बात ये है सर कि गए 1 साल से जो मंदिर है घर का, उसको ऐसा ढकके रखा था। मतलब पूजा वगैरह कुछ भी नहीं था, और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, मेरे छोटे बेटे है अभिषेक पाटिल, तो वो भी ऐसे जान चुके थे। ऐसा आज तो मीडिया हाथ में, हर एक के सच कुछ, सच या झूठ सबको पता चल रहा है कि क्या है। तो ऐसा मेरे पूरा ये सोच के मेरे बेटे ने भी और मैंने तो ये तय किया। एक बार मेरी मम्मी भी बोली कि वो अभी वैसे ही ढक के रखा है, तो इससे अच्छा जाके वो विसर्जित कर। तो फिर हम लोग ने ठान ली, लेकिन मैं ऐसा उचित दिन देख रही थी कि कौन सा उचित दिन है, तो मैं उस दिन जाके वो समर्पित करूं। तो उस दिन से अच्छा कुछ दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि उस दिन सारे लोग शिवाजी पार्क में देवी को विसर्जन करने जा रहे थे, दशहरा था। और उस दिन हम लोग गए, हमारे सारे अम्बेडकर राइट्स वर्ली से सारे हमारे बंधव थे, और फिर मैंने वो वहां पे माहौल चल रहा था, आरतियां हो रही थी, सब लोग देवी को प्रार्थना कर रहे थे कि अगले साल से यही धूमधाम से आना, ये साल तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ज्यादा पूजा पाठ हुआ नहीं क्योंकि कोविड की वजह से गरबा नवरात्रि नहीं हुआ, वो अच्छा ही सबका एक साल का त्योहार रहता है। देवी को बोल दिया कि अगले साल आना, तो वो लोग वैसा बोल रहे थे, ये बाजू में मैंने बोल दिया कि दादा थे मेरे साथ में, वो भी उन्होंने ही बोला, और मैंने भी ये मन में ठान लिया कि हे देवी देवताओं, कि आप अभी तक मैंने आपको बहुत, मैंने भी मन से पूजा, मैंने भी व्रत की, लेकिन जब भी मुझे ये समझ में आया कि ये करके इसमें क्या मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो ये समझ में जब आया तो मैंने ये ठान लिया कि आज से मैं ये चमत्कार, ये अंधश्रद्धा, ये आत्मा, ये इसमें मैं विश्वास नहीं रखूंगी, और इसको मैंने
इनका मैंने मतलब ये जैसे देवी देवताओं को विसर्जित किया तो इनको भी मैंने ये सारे कर्म कांडों को मैंने विसर्जित किया उस दिन, और मैंने ये ठान ली कि इसको मैंने आज कंधा दिया, इनको मार डाला मैंने और इनको आज मैं कंधा लेके यहाँ पे आई हूँ। तो ऐसे हर एक भारत की महिला करे, क्योंकि महिला के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि एक घर की एक महिला परिवर्तित हो जाए तो पूरा घर परिवर्तित होता है। तो अगर ये हर एक भारत की महिला के अंदर इतनी शक्ति है, और ये जो शक्ति दी है, ये दी है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो ये जो शक्ति मिले हर एक भारत की महिलाओं को, हर एक भारत की महिला ने अगर ऐसा ठान ली तो भारत का प्रगत, भारत का विकास होने में देर नहीं लगेगी। और फिर उस दिन मैंने ऐसा मन में ठान लिया, और जैसा मैंने विसर्जित किया समुन्द्र को, तो मैंने भी एक प्रार्थना की, मन ही मन में प्रार्थना की, हे देवी देवताओं कि ये लोग छोड़ रहे आपको कि अगले साल आने के लिए, मैंने छोड़ दिया कि मेरे जीवन में कभी वापस मत आना। ये सोच के उस दिन ऐसा मैंने विसर्जन किया है। जल्द ही बुद्ध धम्म की दीक्षा, वो भी बड़ी ही धूमधाम से, पूरे जग में, पूरे विश्व में ये जाना चाहिए। तो वो जो दीक्षा लेनी है वो बाकी है, वो होगी दीक्षा भूमि नागपुर में ही, क्योंकि मेरा सपना है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब जी ने जो धम्म दीक्षा ली थी 5 लाख लोगों को लेके, मैं कम से कम मेरे साथ 5,000 तो जमा करूंगी, वो भी बहुजन समाज में। और अपना जो भी कुछ बाकी बचा कुचा जीवन है वो मैं पूरा ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने में वो लगाऊंगी। और इसके लिए आज यहाँ पे हम लोग राज्य रत्न सर के साथ है, हम लोग को सबको बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा तो मन ऐसा भर आया है कि कब वो समारोह हो जाए और कब ये क्षण इतना अच्छा वाला आए, वो जल्दी आएगा। तो जो हमारे सत्यशोधक समाज से उल्लास राठौड़ सर जी है अध्यक्ष, तो उनका भी हमारे साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है, शुभेच्छा है, क्योंकि जो ओबीसी समाज से थे दिवंगत, वो जो अपने हनुमंत उपरेगा का, उनका जो मिशन था वो उनका अधूरा रह गया, उनका उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जो मिशन अधूरा है ये मैं भारतीय महिला शाहिरा मैं पूरा करूंगी, और मैं ओबीसी समाज में ज्यादा से ज्यादा ये जो बुद्ध धम्म है मैं ओबीसी समाज में बताऊंगी, और ये मेरा कार्य है, सपना है। आपकी शुभकामनाएं है सर, आप इतने पूरे विश्व में, पूरे जगत में आप काम करते हैं, तो हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं और आपके साथ हम काम करना चाहते हैं, और हमारे सब टीम को आप याद रखें, आप कोई भी भारत के बाहर भी जाए तो हम लोग को लिखे। सबको बहुत बड़ा धन्यवाद, और नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय भीम, जय भारत। तो आज के अवसर पर मैं हनुमंत उपरे काका के चरणों में भी नमन अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो पौधा लगाया था अब उसको फल आना शुरू हुआ है, ओबीसी समाज सही मायने में बुद्ध धम्म की ओर आ रहा है। संदीप उपरे जी वो भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, कभी ना कभी कोई प्रोग्राम हो तो फोन करते हैं। उल्लास राठौड़ जी भी कांटेक्ट में रहते हैं, 6 दिसंबर को हमको मिलते हैं हमेशा चैत्यभूमि पे। तो इन लोगों को, सत्यशोधक समाज इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं नमन करता हूँ कि आज उन्होंने जो ओबीसी समाज में जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम किया है, तो आज मैडम के स्वरूप में हमें वो फल दिख रहे हैं। और ये मैं गवाही देता हूं कि जो भगवान हमको घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, आज वो बौद्ध धर्म आपको विश्व में लेके जाएगा, और आने वाली वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में सत्यशोधक समाज से आपको भी मैं वहां पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे 5 लोग लेकर जाने की अथॉरिटी होती है, और मैं यही देखूंगा कि मेरे साथ अलग अलग समाज से जो बौद्ध धर्म में आए हैं उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी वर्ल्ड फिलोसफी ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में हो, और ये सारी कम्युनिटी, ये ग्लोबल कम्युनिटी हो, आज आधा विश्व बुद्ध को मानता है, तो यहाँ के लोग भी विश्व में जाए, ऐसे मैं कामना करता हूं। और मैडम का जल्दी ही, जैसे ये कोविड के रूल्स थोड़े स्थगित होते हैं, या हमें कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आज 85 लोगों का हम लोगों को परमिशन मिल रही है, जैसे ये बंधन हटता है तो हम आने वाले समय में बड़ी कन्वर्जन का प्रोग्राम लेकर बौद्ध धर्म में सभी लोग जो आना चाहते हैं उनका हम लोग धर्मांतरण का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, और जॉली जी का और मैडम जी का वी द पीपल, ये एक ग्रुप काम करता है जो बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करना, शिवाजी महाराज के, माँ जिजाऊ के, सबके जितने भी महापुरुष है सावित्री माई के, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस ग्रुप को भी हम लोगों को कई माध्यम से पावरफुल करना है, और यही ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को मजबूत करनी है गांव गांव में। मैडम का, जॉली जी का, हम लोगों को वहां पर इनके विचारों को रखने के लिए, सादर करने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी हम लोगों को तैयार करके देना है। अगला, अगर 25 दिसंबर को सारा अगर ठीक होता है, माहौल ठीक होता है,
तो हम या तो नागपुर दीक्षा भूमि से या मुंबई में या पुणे में जहां पर बाबा साहब ने 25 दिसंबर को बुद्ध की मूर्ति का स्थापना की थी, तो वहां से हम ये कार्यक्रम करेंगे और वी द पीपल इसके माध्यम से इसका एक कार्यक्रम लोगों तक लेकर आएंगे कि बताएंगे कि मैडम, और मैडम ने खुद कहा कि वो सावित्री माई का रोल करती है, माँ जिजाऊ का रोल करती है, माता रमाई का रोल करती है, तो लिटरली मैं देखना चाहूंगा कि ये महापुरुषों को महानायिकाओं का रोल हमारे जो लोग कलाकार कर रहे हैं आज, ये कलाकार वर्ग, कलाकार को कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और ये लोग आज बुद्ध की ओर, उनकी शिक्षाओं की ओर मुड़ रहे हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय।